हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू आगे कर रहे हैं वीडियो नंबर 17 कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4th कर रहे हैं। आई होप आपने पहले के पार्ट देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाके देख जरूर लेना। ये पूरी रिविजन चल रही है आप लोगों की, ठीक है ना। पार्ट 4th की पार्ट 5th कर रहे हैं, पूरी रिविजन चल रही है आपकी, तो ना एक ही क्वेश्चन को करके देखना, ठीक है। क्वेश्चन को पहले करके देखा करो, अगर नहीं हो तो फिर उसके सोल्यूशन देखा करो। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में बोला गया आपको भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, अंडर रूट 2x, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, अंडर रूट 3y, x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2y। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये आप यहाँ x की प्लेस पे पुट कर दोगे। जब यहाँ पे पुट करते हैं देखते हैं क्या आता है, अंडर रूट 3 यहाँ पे माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। इसके बाद अंडर रूट 3 को जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा, माइनस था तो माइनस आ गया, अपॉन अंडर रूट 2y माइनस, अगर आप इसको ओपन करना चाहो तो 2√2 आ सकता है, पर आप इसको ऐसे भी रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो, ये भी y आ गया, ये भी y आ गया, तो दोनों में भाई क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, भाई को कॉमन ले लूंगा। जब मैं भाई को कॉमन लूंगा तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, माइनस 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर क्या 0 है, ये सारा कुछ नीचे आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 बाई ये दिस थिंग आ गई, तो ये आपका अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ से आ गया होगा। ये चीज है ना, ये चीज, ये जो भी चीज है ये जीरो के बारे में आ जाएगी ना, तो जीरो के बारे में कुछ हो तो जीरो होता है, तो जीरो आ गया। अगर वाई जीरो है तो आपका एक्स भी कितना आ जाएगा, ये वाई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो जब एक्स की वैल्यू भी पुट करोगे जीरो, तो एक्स भी कितना आ गया, जीरो आ गया, तो उसके अंदर एक्स भी जीरो आ गया और वाई भी जीरो आ गया। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। कुछ नहीं किया मैंने इसके अंदर, x की वैल्यू निकाली है माइनस रूट 3/√2y, उसके बाद ये वाली वैल्यू जो हम करते हैं नेक्स्ट वाली इसमें पुट कर दी है, इसके बाद मैंने यहाँ से y कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करके 3 आएगा, माइनस का साइन था इसलिए माइनस आ गया, रूट 2y रूट 2 और रूट 8y, यहाँ से y कॉमन निकाल है क्योंकि ये भी y है ये भी y है, तो y बाहर आ गया, अंदर ये बच गया। ये सारी चीज जो आएगी ये जीरो के बारे में आएगी ना, 0/6 आएगा, तो जीरो के बारे में कुछ भी हो तो जीरो होता है, तो वाई की वैल्यू जीरो आ गई। अब जो ये वाई की वैल्यू जीरो आई है, ये यहाँ पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं आप इसके अंदर, एक मिनट रुक जाइए आप प्लीज, एक बार ना इन पार्ट को खुद से जुट ट्राई करना। पार्ट 6 में, पार्ट 6 थोड़ा इजी है पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर पार्ट 6 है बिल्कुल इजी। इसमें आपको क्या बोला गया है, पहले ये बोला गया जी एक्स बाय 2 माइनस 5 बाय y में 3 इज इक्वल टू माइनस 2, एक ये दे रखी है आपको, और एक यहाँ पर दूसरी में यहाँ लिख देता हूँ, x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 13/6। आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, 3x by 2 minus 5y by 3, x by 3 plus y by 2, 30 minus 6। तो इसमें क्या लेंगे, 2 and 3 है ना, इसका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 2, 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 9x आ गया, माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10y आ गया, माइनस 2, इसके बाद 6 इधर की तरफ चला जाएगा,
9 एक्स माइनस 10 वाई इज इक्वल टू माइनस 12। ये एक इक्वेशन आपके पास अभी यहाँ से है। अब दूसरी भी यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 6 आ गया, ये होगा आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बाई 6। 6 से 6 कर गया आपके पास आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो इसके अंदर सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इसको किस फॉर्म में लेके आओ। यहाँ पे मैंने ऐसे ले लिया 2 3 का 6 आ गया और उसके बाद मैंने इसको सिंपली सोल्व किया। आप एक बार यहाँ तक देख लो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको, फिर इसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, अब आपकी ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ये आ गया 9x माइनस 10 माइनस 12 प्लस 10y। और क्या करूंगा, ये 9 ना इसके नीचे आ जाएगा, ये आपका x आ गया। ये दिखने में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है पर ये इजिली हो जाएगा सोल्व, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पर वैसे ये बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 2 माइनस 12 प्लस 10 वाई अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको सोल्व करना रहेगा ना, इसको भी कहां से कहां सोल्व करेंगे, इसको इधर की तरफ सोल्व कर देते हैं। ठीक है, जब तक आप पहले इतना लिख लो, इधर की तरफ मैं इसको सोल्व कर देता हूँ आगे का। वैसे थोड़ी सोल्विंग थोड़ी करनी है, वैसे ही आसान है। अब मैं क्या करूँ, दो तरीके सोल्व सकता है, चाहे तो मैं यहाँ पे एलसीएम लेके कर दूँ इसको, एलसीएम लेके भी हो सकता है और अंदर मल्टीप्लीकेशन करने की हो सकता है। तो मैं मल्टीप्लाई करके करता हूँ, 2 को पहले माइनस 12 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस 24 बाय 9, फिर 2 को इससे करेंगे तो आएगा 20 बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 20y/9 प्लस 3y/1 13 प्लस 24/9y1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, ये कितना हो गया 20y हो गया यहाँ पर, और ये हो जाएगा 27y, पता लगेगा ना 9 से मल्टीप्लाई किया। और जब 13 को 9 से करेंगे 117 प्लस 24, तो 9 से 9 कर गया, ये आ गया 47y, ये आ गया 141, y की वैल्यू आ गई 141/47 इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3 आ गई, अब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो वापस x की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, पर हम इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करनी है बस, वो है, बाकी इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल इजी किया है। अब हम x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9। अब x y की वैल्यू जब 3 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2 और ये आ जाएगा आपका 30/9, ये आएगा 18/9 विच इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, इसको ना एक बार दोबारा स्किप करके, स्किप करके नहीं मतलब दोबारा एक बार जरूर देख लेना, वैसे ही क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, स्टेप बाय स्टेप क्या भी नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बस वैसे ही इजी है, आपका ये सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसको लिख जरूर लेना। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस सॉल्विंग है, ये क्वेश्चन है इसी बिल्कुल ही, कुछ नहीं किया मैंने इसके अंदर, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस सॉल्विंग करना है आपको, तो सॉल्विंग लगता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको शांति से आराम से सोल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है सोल्व, आपको दो इक्वेशन सोल्व करनी है, पहली क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। And find the value of m for which y is equal to mx plus 3. ये है y is equal to mx plus 3. ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों से x और y की वैल्यू निकालेंगे
एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = 24। चलो कर लेते हैं इसको भी, इसको मैं अभी रख कर रहा हूँ, ये बाद में लेके आएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट 2x लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे 2x की वैल्यू निकाल दो। 2x कितना आएगा आपका, 11 - 3y। अब ये 2x क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो डायरेक्टली, 11 - 3y - 4y = -24। 11 माइनस सी क्या गया, 7y = -24। अब -7y - 24 - 11 - 7y = -35, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5। बिल्कुल इजी है, वाई की वैल्यू 5 आ गई। एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आपकी, 2x = क्या है, 11 - 3 × 5। 2x = 11 - 15। 2x = -4। x = -2। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। हमें क्या दे रखा था, हमें निकालना था y = mx + 3 दे रखा था। तो y की प्लेस पे 5 पुट कर दो, x के प्लेस पे -2 पुट कर दो, आपके पास m आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। y = mx + 3, y कितना आपका 5, m को हमें फाइंड आउट करना है, x - 2 है, ये 3 है, ठीक है। 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये होगा 5 - 3 - 2m, 2 = -2m, ये कट गया। m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। कुछ नहीं करना, x और y की वैल्यू निकाल कर हमें इक्वेशन में पुट कर देनी है, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं सोच रहा हूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में ही करा दूँ, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। आपका ये क्वेश्चन बटे, क्वेश्चन नंबर 3, उसके 3 पार्ट है, फटाफट करा के आपकी एक्सरसाइज 3.3 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार जरूर देखना पुरानी वीडियो, 16 वीडियो देख लेना, चैप्टर 2 से स्टार्ट है पूरा का पूरा। चलो थैंक यू।